नमस्कार, रहस्यमय सफर में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, खास करके तो उन लोगों के लिए जो मिस्टीरियस वीडियोस देखना ज्यादा पसंद करते हैं या फिर मिस्टीरियस दुनिया में अकीन करते हैं। आज हम आपके ही अंदर के रहस्य से आपको परिचित कराने वाले हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि धर्म और विज्ञान ने दुनिया के कई तरह के रहस्यों से पर्दा उठाया है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के इस युग में अब सब कुछ संभव होने लगा है। मानव का ज्ञान पहले की अपेक्षा बड़ा है, लेकिन इस बढ़ते ज्ञान के बावजूद भी व्यक्ति की सोच अभी भी मध्ययुगीन ही है। मनुष्य में इतना ज्ञान होने के बावजूद भी वह मूर्ख और मूढ़ बना हुआ है। खैर, हम आपको बताना चाहते हैं कि आज के इस वैज्ञानिक युग में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिन पर से अब लगभग पर्दा उठ चुका है या उठ रहा है। क्या आप उन बातों को जानकर अपनी सोच को नई दिशा देना चाहेंगे, या कि फिर से तर्क वितर्क के जाल में उलझकर आंखें बंद कर लेंगे? हम आपको सिर्फ आपके बारे में ही यहां बताना चाहते हैं। वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि आई नीड योर सपोर्ट। बात यह है कि एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने में मुझे काफी रिसर्च और मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर आप लोगों के पसंद लायक एक वीडियो बनता है। लेकिन इस वक्त मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, और मेरे मेहनत के लिए इतना तो आप कर ही सकते हैं। इसलिए अगर आप नए हैं हमारे चैनल में, या अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो प्लीज लाइक शेयर एंड मोस्ट सब्सक्राइब माय चैनल। वैसे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करें। अगर आपके टॉपिक पर कुछ लाइक्स आए तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें हैं जिनको मानने पर हम आज भी मजबूर हो जाते हैं, कभी कुछ अचंभित घटनाओं को देखकर, तो कभी किसी के अवशेष पाकर। कुछ बातों का तो जीता जागता सबूत भी मौजूद है धरती पर। आप दुनिया भर की मिस्टीरियस वीडियो देखे होंगे और ऐसी कई मिस्टीरियस बातें सुने होंगे जिनको गहराई से जानने की प्रचंड इच्छा आप में जागृत हुई होगी, और ऐसी ही एक प्रचंड इच्छा मैं आज आप में जागृत करूंगा। आपको विश्वास ही नहीं होगा कि आपके अंदर इतने रहस्य छुपे हैं जिनको विज्ञान तो मानता ही है। मैं जीता जागता सबूत भी दिखाऊंगा इस वीडियो में। विचारों से बनता है भविष्य। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आज आप जो भी हैं वह आपके पिछले विचारों का परिणाम है। विचार ही वस्तु बन जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही भविष्य का निर्माण करते हैं। यही बात द सीक्रेट में भी कही गई है, और यही बात धम्मपद, गीता, जिनसूत्र और योग सूत्र में कही गई है, जिसे आज का विज्ञान आकर्षण का नियम कहता है। संसार को हम पांचों इंद्रियों से ही जानते हैं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो भी ग्रहण किया गया है उसका मन और मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उस प्रभाव से ही चित्त निर्मित होता है, जो निरंतर परिवर्तित होने वाला होता है। इस चित्त को समझने से ही आपके जीवन का खेल आपको समझ में आने लगेगा। अधिकतर लोग अब इसे समझकर अच्छे स्थान, अच्छे माहौल और अच्छे लोगों के बीच रहने लगे हैं। वे अपनी सोच को बदलने के लिए ध्यान या पॉजिटिव मोटिवेशन की क्लासेस भी जाने लगे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि मानव मस्तिष्क में 24 घंटे में लगभग 60,000 विचार आते हैं, जो ज्यादातर नकारात्मक होते हैं। और अगर नकारात्मक विचारों का पलड़ा भारी है तो फिर भविष्य भी वैसा ही होगा, और यदि मिश्रित विचार हैं तो मिश्रित भविष्य होगा। अधिकतर लोग नकारात्मक फिल्में, सीरियल और गाने देखते रहते हैं, इससे उनका मन और मस्तिष्क वैसा ही निर्मित हो जाता है। वे गंदे या जासूसी उपन्यास पढ़कर भी वैसा ही सोचने लगते हैं। आजकल तो इंटरनेट है जहां पॉजिटिव के साथ साथ कई तरह की नकारात्मक चीजें ढूंढी जा सकती हैं। मैं सबकी बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन कई ऐसे न्यूज चैनल और सोशल मीडिया चैनल हैं जो दिन भर नकारात्मक खबरें ही दिखाते रहते हैं, जिन्हें देखकर सामूहिक रूप से समाज का मन और मस्तिष्क खराब होता रहता है। इस वीडियो का उद्देश्य आपको आपसे ही मिलाने की एक कोशिश है और कुछ नहीं। यहां एक बात दिमाग में भर लीजिए कि वीडियो में आगे ये नहीं समझना कि मैं आपको मोह माया की ये सांसारिक दुनिया त्याग कर साधु संत की साधना दुनिया में लीन होने बोलूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य अपने अंदर के अनंत शक्तिशाली रहस्य को समझना है, और अगर थोड़ी कोशिश की जाए तो महसूस कर सकते हैं।
मगर अपने अंदर के रहस्य से रूबरू होना बड़ा कठिन है आम लोगों के लिए। हां, मगर इस रहस्य को समझकर इसका आदर हम जरूर कर सकते हैं। टेलीपैथी। अगर आप वीडियो में यहां तक बने हो तो आप इस टेलीपैथी शब्द से भी परिचित होंगे, लेकिन फिर भी मैं यहां इसके बारे में थोड़ा बात करूंगा और इसके दो सबूत भी दूंगा, एक जीता जागता सबूत और एक रहस्यमय सबूत। टेलीपैथी को हिंदी में दूरानुभूति कहते हैं। टेली शब्द से ही टेलीफोन, टेलीविजन आदि शब्द बने हैं। ये सभी दूर के संदेश और चित्र को पकड़ने वाले यंत्र हैं। लेकिन शायद आपको यह बात हैरान करे कि आदमी के मस्तिष्क में भी इस तरह की क्षमता होती है, और कोई व्यक्ति जब किसी के मन की बात जान ले या दूर घट रही घटना को पकड़कर उसका वर्णन कर दे तो उसे पारिंद्रिय ज्ञान से संपन्न व्यक्ति कहा जाता है। महाभारत काल में संजय के पास यह क्षमता थी। उन्होंने दूर चल रहे युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को कह सुनाया था। भविष्य का आभास कर लेना भी टेलीपैथिक विद्या के अंतर्गत ही आता है। दरअसल टेलीपैथी दो व्यक्तियों के बीच विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान को भी कहते हैं। किसी को देखकर उसके मन की बात भांप लेने की शक्ति हासिल करना तो बहुत ही आसान है। टेलीपैथी की विद्या में हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल नहीं होता, यानी इसमें देखने, सुनने, सूंघने, छूने और छखने की शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये हमारे मन और मस्तिष्क की शक्ति होती है और यह ध्यान तथा योग के अभ्यास से ही हासिल की जा सकती है, जो सरल नहीं है। आधुनिक युग में टेलीपैथी शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल 1842 में फेडरिक W.H. मायर्स ने किया था। कहते हैं कि जिस व्यक्ति में यह 6वीं ज्ञानेंद्रिय होती है वह जान लेता है कि दूसरों के मन में क्या चल रहा है। यह परामनोविज्ञान का विषय है जिसमें टेलीपैथी के कई प्रकार बताए जाते हैं। इस शक्ति को योग में मनः शक्ति योग कहते हैं। ज्ञान की स्थिति में संयम होने पर दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है। यदि चित्त शांत है तो दूसरे के मन का हाल जानने की शक्ति हासिल हो जाएगी। ज्ञान की स्थिति में संयम का अर्थ है कि जो भी सोचा या समझा जा रहा है उसमें साक्षी रहने की स्थिति। ध्यान से देखने और सुनने की क्षमता बढ़ाएंगे तो सामने वाले के मन की आवाज भी सुनाई देंगी। इसके लिए नियमित अभ्यास की आवश्यकता है, जो मैंने पहले ही कहा है कि सरल नहीं है। यहां एक बात और जान लीजिए कि टेलीपैथी विद्या की तरह ही ऐसी कई विद्याएं हैं जो मनुष्य के अंदर एक रहस्यमयी शक्ति को दर्शाती है, और इनमें से कुछ तो ऐसी विद्याएं हैं जो साधना तरीका से हटकर तंत्र मंत्र तरीका से भी हासिल किया जा सकता है। इन विद्याओं के माध्यम से बहुत कुछ जाना जा सकता है, यहां तक कि भविष्य भी। लेकिन अभी के मनुष्य के लिए ऐसी विद्याएं प्राप्त करना बहुत ही कठिन है, इसलिए कुछ लोग इन विद्याओं को प्राप्त करने के लिए तंत्र मंत्र वाली साधनाएं भी बहुत हद तक करने की कोशिश करते हैं। मगर हमारा टॉपिक ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए इस मैटर में इससे ज्यादा और कुछ बात नहीं करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं उन दो सबूतों की ओर जो मनुष्य के अंदर अपार शक्तियां होने की बात को साबित करेंगे। अब इस टेलीपैथी के सबूत के तौर पर मैं आपके सामने दो जगहों का जिक्र करने वाला हूं, जिनके बारे में हमारे इतिहास और वेद पुराणों में भी जिक्र मिलता है, और इनके बारे में अगर आप गहराई से जानने की कोशिश करेंगे तो इसमें टेलीपैथी विद्या का काफी जिक्र मिलेगा आपको। पहला है बाण स्तंभ, जो गुजरात के सोमनाथ मंदिर में स्थित है, और दूसरा है ज्ञानगंज, जिसे सिद्धाश्रम के नाम से भी जाना जाता है, और ये तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के निकट स्थित बताया जाता है। मैं यहां संक्षिप्त में इन दोनों जगहों के बारे में बताऊंगा। अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो गूगल करें या फिर YouTube पर सर्च करें। अब अगर बात करूं बाण स्तंभ की, तो गुजरात में समुद्र के किनारे सोमनाथ मंदिर के दक्षिण में एक बाण स्तंभ है। ये बाण स्तंभ बहुत प्राचीन है। इस बात की जानकारी किसी के पास नहीं है कि इसे कब बनाया गया था, लेकिन इतिहास की गहराइयों में जाने के बाद 6वीं शताब्दी से बाण स्तंभ का उल्लेख इतिहास में मिलता है। इसके जानकार बताते हैं कि बाण स्तंभ एक दिशा दर्शक स्तंभ है जिसके ऊपरी सिरे पर एक तीर यानी बाण बनाया गया है जिसका मुंह समुद्र की ओर है। इस बाण स्तंभ पर संस्कृत में कुछ शब्द लिखे हुए हैं। लिखा है आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योति मार्ग। इसका मतलब यह है
कि समुद्र के इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी अवरोध या बाधा नहीं है। इस पंक्ति का सरल अर्थ यह है कि सोमनाथ मंदिर के उस बिंदु से लेकर दक्षिण ध्रुव तक अर्थात अंटार्कटिका तक एक सीधी रेखा खींची जाए तो बीच में एक भी पहाड़ या भूखंड का टुकड़ा नहीं आता है। और यही सबसे बड़ा मिस्ट्री है इस स्तंभ की। काफी ट्रेंडिंग में रह चुका है ये टॉपिक कि आखिर तब के मनुष्यों को समुद्र के इतने दूर तक का ज्ञान आखिर कैसे हुआ। काफी रिसर्च के बाद ये पता लगाया गया कि तब के लोगों को योग साधना के माध्यम से इस तरह की जानकारियां मिल जाया करती थी। अब अगर ज्ञानगंज की बात करूं तो ये जगह इतनी रहस्यमय है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मैपिंग सिस्टम में भी शो नहीं करती, ना ही सैटेलाइट से नजर आती है। और कहा जाता है कि यहां कोई आम मनुष्य नहीं पहुंच सकता, ये जगह सिर्फ सिद्ध मनुष्यों को ही मिलता है, जो वो यहां तक जाने का रास्ता आसानी से ढूंढ लेते हैं। इस जगह को संतों की भूमि कहा जाता है, जिनके पास असाधारण ज्ञान और शक्तियां होती हैं। ऐसा माना जाता है कि ये प्राणी अमर हैं और बाहरी दुनिया से एकांत में रहकर शाश्वत आनंद की स्थिति में रहते हैं। और ये जगह पृथ्वी का केंद्र होने के कारण ये भी कहा जाता है कि इस जगह ध्यान में लीन संत ब्रह्मांड की अन्य अलौकिक शक्तियों से संपर्क भी करते हैं। अब अगर इस जगह को लेकर टेलीपैथी की बात करूं तो जब रिसर्च करने वाले तिब्बत के मंदिरों में गए तो वहां के पंडितों ने बताया कि ज्ञानगंज में गए उनके साथी गण उनसे टेलीपैथी में बात भी करते हैं। यहां थोड़ा और बता दूं कि रामायण और महाभारत में भी इसका जिक्र मिलता है। ग्रंथों में इसे सिद्धाश्रम कहा गया है। इस जगह को लेकर चीन ने भी कई बार कोशिश किया है मगर असफल रहा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमें प्रेरित करें ऐसे और भी वीडियो बनाने के लिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।